You want to sit there and ask it come to you can ask in that room. Chalega, आंटी जी स्वागत है आपका न्यूज हेल्पलाइन में. पहले तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि स्मिता जैसे घर में खेल रही है आपको कैसा लग रहा है? अच्छा खेल रही है, उनका गेम कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो सच्ची मन से खेल रही है. अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि घर में उनका सबसे अच्छा दोस्त कौन है जो हमेशा उनके साथ रहता है, उनके साथ स्टैंड लेता है? अभी तो रेशम ले रही है. अच्छा, हाँ. तो आपको क्या लगता है उनके ग्रुप के साथ ही उन्हें रहना चाहिए? हाँ, ग्रुप के साथ रहना चाहिए ना. और किससे घर में बच के रहना चाहिए? बच के तो उनके अगेंस्ट कौन कौन खड़े हैं ना, उनके सामने तो बच कर रहना ही पड़ेगा. तो कुछ नाम आप अगर ले सको तो? ले सकती हूँ क्या? बताइए. एक तो पुष्कर है जी, सही है. मेघा तो चुप रह कर भी उनका काम करती है, शर्मिष्ठा भी ऐसे है. अच्छा, बीच में कुछ टास्क के दौरान घर के अंदर हाँ उनकी बॉडी को लेके बॉडी शेमिंग हो रही थी, उसके बारे में आपको क्या कहना है? कितना सही था, क्या गलत है? ये सब गलत है जी, क्योंकि ये जनरल में वो ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं ना, लड़कियाँ फ्रेंड्स, वो इतना ये देखो सबको फ्रेंड्स मानती है, बराबर मेघा को भी फ्रेंड्स मानती है, इसलिए वो उनके सामने जाकर दो लड़कियाँ कैसे फ्रेंड्स बात करते हैं ना, ऐसे बात किया तो वो क्या करती है, उसको इश्यू कर रही है मेघा. अच्छा, आप बिग बॉस के घर के अंदर गई थी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? थोड़े टाइम के लिए गई थी, कितना अच्छा लगा आपको बिग बॉस का घर देख के? बिग बॉस का घर तो बहुत अच्छा है, वैसे देखने के अच्छा है. थोड़ा बात करने के लिए मिला होता तो बेटी के साथ अच्छा रहता. अच्छा, नहीं मिला मुझे. और बाकी सारे कंटेस्टेंट को देख के कैसा लगा? चलो उसी वक्त सब अच्छे ही रहे होते. अच्छा, आपने हमने देखा था कि आपने जब आप घर के अंदर गई थी तब उनका जो एडवाइस दे रही थी कि बिकनी पहनने के लिए. हो बरोबर, क्योंकि वो अनकंफर्ट बोलते हैं ना, हाँ वैसे नहीं थी वो. मैंने बोला तुम बाहर सभी जगह पर वैसे रहती हो, ऐसे रहो ना, अंदर क्यों ऐसे, इसलिए मैंने बोला. तो आपको क्या लगता है उन्होंने फॉलो किया? हो हो, फॉलो किया और पहले से करना चाहिए था. क्या अकेली बिकनी पहनी है क्या? उससे पहले सभी बिकनी पहने थे, मेगा भी पहनी थी, सभी पहने थे. वो अकेले क्यों पूरा ड्रेस पहन कर पानी में उतर रही थी, मुझे नहीं अच्छा लगा. अच्छा, आप मेघा और सई की दोस्ती के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कितना उनका दोस्ती रियल लगता है कि फेक लगता है? आप ही देखो ना, आप क्या, आपको ही पता चल जाता है कितना सही है कितना फेक है. मैं तो बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है क्या, सबको दिखाई देता है कितना नाटक चल रहा है उनके बीच. देखो फाइनल में आ जाने दो, ये सभी के क्या बोलते हैं, बंदूक रखते हैं हंधे के ऊपर. अच्छा, महेश मांजरेकर जी की रोस्टिंग कैसी लगती जब वीकेंड का दावा? नहीं नहीं, आप वीकेंड से जाओ, मैं वो अच्छे बोलते हैं और इसमें कोई अच्छे से क्लास लगा पाते हैं लोगों को? क्लास लगाते हैं, मुझे थोड़ा सा मेरे बेटी के बारे में वो जे कमेंट्स थोड़ा जोक के लिए दिए थे स्टार्टिंग में, ये पकड़ कर बैठ गए. उनको वार्निंग देना चाहिए महेश मांजरेकर को कि अभी ये कंफ्यूज ए, ए ए मत वैसे पर्सनल लेना, छोड़ दो, अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतना एक कोई कंफ्यूज लोगों को अंदर लेते नहीं बिग बॉस में, देखकर ही चूज करते ही लेते हैं, कुछ तो है उनके. अच्छा, तो उन्हें घर में ऐसा भी बोला जाता है कि वो सिर्फ डॉल है, ब्यूटी है पर ब्रेन्स नहीं है, ऐसा भी उन्हें बोला जाता है? तो ब्रेन्स नहीं है, ब्रेन नहीं है, ब्रेन नहीं तो टैलेंट शो में कैसे जीने विन होती है? हर टैलेंट में विन होती है. वो पिल्लो कवर में सिलाई करने किसी का तो दिमाग चला था क्या? वो ब्रेन नहीं है तो कैसे ब्रेन आ गया तब? बराबर मैं बोली? एक मिनट, तुम ही आप इतना ही बोला आंटी कि कंफ्यूज जो आप कर रहे हो कहीं ना कहीं बुलिंग की तरह हो गया है. हाँ हाँ, कि आप किसी को एक नाम टैग दे रहे हो वो हाँ. बुलिंग की तरह है, तो उसका इमेज पे आ रहा है जो मैं अप्रिशिएट नहीं करता. हाँ, चा, 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 हाँ. आप लेट में आ जाएंगे?
देखो कंफ्यूज का टैग पड़ गया है उसके इसके ऊपर, ये क्या कर रहे हैं, उनको करियर के ऊपर पड़ रहे हैं ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. वो आगे आगे जाकर वो टैग उनके ऊपर बैठ रहा है या ऐसे नहीं है ना. अच्छा टॉप फाइव में आप स्मिता के साथ और किस कंटेस्टेंट को देखते हो? ऑफ कोर्स स्मिता के साथ मैं कौन दिल से खेल रहा है, कौन सच्चे खेल रहे हैं, उनको देखती हूँ मैं. अच्छा नाम बताइए कुछ. रेशम तो है और आउटास में नहीं खेल रही, फिर भी आओ किसी को वैसे अच्छा जा रही है अस्तत. जाते जाते आप स्मिता के फैंस को और प्लस बिग बॉस मराठी के फैंस को क्या कहना चाहोगे? जाते जाते मैं ये बोल दूँगी, मेरी बेटी सच्ची है, दिल की अच्छी है, किसी का मन दुखाती नहीं, सबका मान रखती है, सबका काम करती है. इतना अच्छे लड़की का इमेज मत खराब करो और उनको वोट देकर चिता ले तो मुझे बहुत अच्छा लगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.